नमस्ते दोस्तों दोस्तों सैर सपाटे की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक और जगह के बारे में बताता हूँ। जैसा मैंने पहले बताया कि जब भी हम टूर ट्रेवल का इंडिया से बाहर प्लान करें तो सबसे पहले उन जगहों में हम जा सकते हैं जहाँ वीज़ा की फ़ीस या तो है नहीं या वीज़ा लेना बहुत आसान है। दूसरा, उन जगहों में जा सकते हैं जहाँ की हवाई दूरी इंडिया से बहुत कम है ताकि हमारा एयर टिकट सबसे कम पड़ेगा। तो ऐसी ही एक जगह और है दोस्तों, हांगकांग। आज मैं बताता हूँ आप हांगकांग कैसे घूमें और वहाँ पर घूमने में आपका क्या क्या खर्चा आएगा और किन किन जगह जाएंगे तो कैसा खर्चा आएगा। हमने एक बजट कैलकुलेटर बनाया हुआ है, वो कैलकुलेटर आपकी मदद करता है कॉस्ट एस्टिमेट करने में। इंडिया से अगर हांगकांग जाते हैं और हांगकांग में जितनी सारी जगह हैं उन जगहों को आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं क्या क्या घूमें वहाँ पर और उन जगहों को घूमने में आपका क्या खर्चा है। तो आपको करना क्या है, पिंडारी डॉट इन साइट पर जाना है, यहाँ पे जाएंगे तो ये सारे बजट कैलकुलेटर हैं। यहाँ पे एक्सप्लोर मोड ट्रिप बजट पे आप करेंगे तो यहाँ नीचे हम आएंगे तो यहाँ पे हम आप देखेंगे हर देश का, इसमें थाईलैंड का है, मनाली का है, मालदीव का है, इंडिया में भी काफ़ी जगहों का है। तो आप यहाँ आएंगे तो यहाँ आपको मलेशिया, भूटान जो मैंने आप बता चुका, तो आपको करना है हांगकॉन्ग ट्रिप बजट पर। तो जैसे ये करेंगे तो यहाँ एक विंडो आपको खुल के आएगी, यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आएंगे। अब हांगकांग क्यों जाना चाहिए, हांगकांग भी बहुत खूबसूरत जगह है। वहाँ पे आपको सी बीच भी मिलेंगे, वहाँ पे आपको पहाड़ियाँ भी मिलेंगी, वहाँ पे आपको बिल्कुल आज का मॉडर्न शहर है, बड़ी बड़ी इमारत है, म्यूजियम से लेके वो सारी जगह है जो एक टूरिस्ट स्पॉट पर होनी चाहिए और बहुत छोटी जगह में बहुत सारी जगह। तो मान लीजिए आप दो लोग जाते हैं हांगकांग तो यहाँ पे आप कपल सेलेक्ट कर लीजिए। और हांगकांग की एक ख़ास बात है, इंडिया से हांगकांग के लिए वीज़ा फ्री है, आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने पासपोर्ट से आप हांगकांग जा सकते हैं। नंबर ऑफ डेज आपने कर लिए, मान लीजिए 4 दिन आपने सेलेक्ट किए, 4 दिन बहुत है आपके लिए हांगकांग में इंडिया से जाने के लिए। और अब आता है सबसे महंगा, जैसे मैंने बताया कि सबसे महंगा है फ्लाइट का टिकट। आप इंडिया से बाहर कहीं भी जाएंगे तो आपकी सबसे बड़ी जो कॉस्ट है वो है फ़्लाइट की टिकट। तो हांगकांग में भी आपकी फ़्लाइट की टिकट 40,000 की, अगर एडवांस में बुकिंग करते हैं, एडवांस में बुकिंग करते हैं 28,000, करंट में बुकिंग करते हैं 40,000। मान लीजिए आप एडवांस में बुकिंग करते हैं तो 28,000 की आपकी बुकिंग पड़ेगी। अब ये एकोमोडेशन, अब किस ढंग के होटल में आप रुकेंगे आपकी बजट उस पर निर्भर करेगी। डोरमेट्री भी है वहाँ पर, बजट, इकोनॉमी, लग्जरी। मान लीजिए आप बजट होटल में वहाँ पर रुकते हैं, और ट्रांसपोर्ट, आप हर जगह जाने में जो खर्चा होता है वो लोकल ट्रांसपोर्ट में भी बहुत, टैक्सी महंगी होती है, हर सिटी की टैक्सी की कॉस्ट होती है। तो हांगकांग में ज़्यादा आप फेरी से भी जा सकते हैं क्योंकि आइलैंड के बीच में फेरी से कनेक्टेड है, आप टैक्सी ले सकते हैं, मेट्रो ले सकते हैं, बस ले सकते हैं। मान लो बस से जाते हैं, खाना आप वेज नॉन वेज कुछ भी वहाँ पर ले सकते हैं। अल्कोहलिक ड्रिंक्स आप लेते हैं, मान लीजिए आप 3 अल्कोहलिक ड्रिंक्स लेंगे या ज़्यादा लेंगे तो ये सब। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ये सारी जगह हैं टूरिस्ट अट्रैक्शन जो हांगकांग में हैं, इन हर जगह पे घूमने की एक कॉस्ट होती है, यानी यहाँ का एंट्री टिकट और यहाँ तक जाने का खर्चा आपका, वो सब हमने इस कॉस्ट कैलकुलेटर में पीछे जोड़ा हुआ है। ये जोड़ने के बाद इसकी कॉस्ट निकल के यहाँ पर आती है। तो आप जब यहाँ पे ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कॉस्ट निकल के आएगी। तो हांगकांग में ये सारी चीज़ें, सिम्फनी ऑफ लाइट है, हांगकांग हॉर्स शू रेस है, हांगकांग मार्केट है, और ड्यूक्स किंग है, हांगकांग हेरिटेज म्यूजियम, आप हो सकता है इनमें से बहुत सारी जगह ना भी जाए, और शॉपिंग मॉल है, बीचेज है, बीच पर भी खर्चा होता है, ये कैनाल है, डिज्नीलैंड, इसको अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं तो हांगकांग में डिज्नीलैंड जाना आप ना भूलें। सीनियर सिटीजन के लिए अलग डिज्नीलैंड है, बच्चों के लिए अलग डिज्नीलैंड है। मैडम तुषार म्यूजियम जहाँ पर सेलिब्रिटीज़ की फोटोग्राफ, वैक्स की मूर्तियाँ रहती हैं, वो सब आप देख सकते हैं। वॉकिंग बुद्धा है, मॉन्टेन मॉन्केट थिएटर, ये सब चीज़ें हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हांगकांग, अब हर जगह जाने का, जैसे अपने यहाँ इंडिया में टिकट होता है 400-500 विदेश सैलानियों के लिए ज़्यादा होता है, इसीलिए तो टिकट की कॉस्ट हो जाती है और ट्रैवल की कॉस्ट होती है।
तो ये तो है जो टूरिस्ट है, अब एडवेंचर एक्टिव, क्योंकि हांगकांग में बीच भी है, तो बीच में बहुत आप बीच है और पहाड़ी है एक, जहाँ पर ट्राम जाती है, यानी ट्रेन जाती है पहाड़ी की चोटी तक, तो वहाँ पे आप इस ट्रेन से जा सकते हैं, केबल कार पर आप जा सकते हैं, हाइकिंग कर सकते हैं, आप जिप लाइन कर सकते हैं, यानी कि आप पहाड़ी से कूद सकते हैं, कैकिंग कर सकते हैं, हाइकिंग कर सकते हैं, डॉल्फिन्स आप देख सकते हैं, पेंटबॉल पर आप जा सकते हैं, और क्रूज पर जाना है क्रूज पर भी जा सकते हैं। तो ये सब, लेकिन हर जगह आप इन 4 दिनों में सारी जगह नहीं कर पाएंगे इनमें से, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती है कि जैसे आप पेंट बॉल कर लिया तो आप सोचेंगे कि मैं इस जगह ना जाऊं, तो इस तरीके से आप अपनी जगह सेट कर सकते हैं। आपने जिप लाइन कर ली तो आप पेंट बॉल नहीं करेंगे, या जो आपको सही लगे इस पे से। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये अगर करें तो, और इंटरसिटी ट्रेवल आप मान लीजिए बस से जाते हैं, तो जो हांगकांग के बीच में छोटे छोटे शहर है, वैसे हांगकांग बहुत बड़ा शहर नहीं है, साइज में छोटा सा ही है, इतना बड़ा नहीं है, तो आप, लेकिन जो इंटर स्टेट भी है एक हांगकांग के एक छोटे टाउन से दूसरे टाउन जाना है तो उसका भी खर्चा है, तो ये सबमिट करेंगे तो आपका 2 लोगों का आ रहा है 1,11,000 के आसपास, और एक आदमी का 58,660 रुपये। अब इसमें से आप कुछ जगह कम करते हैं, मान लीजिए आप क्रूज में नहीं जाते हैं, अब इसको सबमिट करते हैं तो आपका खर्चा थोड़ा और कम हो जाएगा। इसी तरीके से आप मान लीजिए आप हांगकांग हॉर्स रेस, ये इस पर नहीं जाते हैं, तो आपका खर्चा ये देखिए कम हो गया। तो इस तरीके से आप अपने जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं इसमें से, इस कैलकुलेटर से, यहाँ आपका पूरा आ जाता है। तो आपको क्या एक मदद मिलती है कि क्या चीज़ आपको कौन सी जगह जानी चाहिए कौन सी नहीं जानी, एक ये बजट एस्टीमेशन है, शुरुआती बजट, आप कंपेयर कर सकते हैं सारे देशों का, तो उसमें से किस देश में आपको कम बजट लगेगा घूमने का, किस में ज़्यादा लगेगा, उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो अगर यही बजट आप टूर ऑपरेटर से जाएंगे तो थोड़ा सा और महंगा, ये बजट तब है जब आप खुद से अपनी जर्नी प्लान करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, तो हमें पूछ सकते हैं, हम बताएंगे। अगर आपको हांगकांग जाना है उसमें भी क्वेरीज हो तो हमें बता सकते हैं, हम आपको